बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। लालगंज रायबरेली जिलाधिकारी सुब्रत सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक सुप्रवीण मंगई के निर्देश अनुसार अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के कार्यक्रम में जनपद के लालगंज सर्किल के सभी थाना क्षेत्रों में तेज तरार सीओ लालगंज इंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में लगातार छापेमारी कर अपराधियों के साथ कठोर कदम उठाते हुए भेजा जा रहा है। जेल सिरनी थाना क्षेत्र से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सिरनी अजीत कुमार विद्यार्थी व उनके हमरा पुलिस बल व आबकारी निरीक्षक नरेंद्र श्रीवास्तव की आबकारी टीम सीओ इंद्रपाल सिंह के कुशल रणनीति के नेतृत्व में सेरनी थाना क्षेत्र के ग्राम सब्जी में छापेमारी में 40 लीटर अवैध देसी शराब बरामद करते हुए दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया। वहीं दिन भर छापेमारी के दौरान ग्रामवासियों से 20 लीटर अवैध देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। वहीं बेरुआ रामपुर में गंगा नदी के किनारे अवैध शराब बनाने वाले 6 भट्टी व 2 कुंतल लहन नष्ट किया। मौके से अभियुक्त फरार मिले। छापेमारी का सिलसिला जारी रखते हुए सीओ इंद्रपाल की टीम ग्राम गोबरे का पूर्वा पहुंची। 20 लीटर शराब बरामद करते हुए करीब 4 कुंतल लहन बरामद करके नष्ट किया। वही सीओ के निर्देशानुसार थाना लालगंज गुरबक्सगंज खीरों में भी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में छापेमारी कर उपकरणों को नष्ट करके अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वही सीओ लालगंज की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध शराब बना रहे व बेच रहे कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पकड़े गए अभी तो खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की गई।